ये है हनुमान नगरी, रामघाट उज्जैन है। ये राम मंदिर है उज्जैन के, यहीं से राम भगवान गए थे अयोध्या। और सबसे बड़ा महाकुंभ जो है यहीं लगता है उज्जैन और प्रयागराज में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यह है रिद्धि सिद्धि माता का मंदिर, जिसमें 51 शक्ति पीठ में से ये एक शक्ति पीठ माता का मंदिर है। और देखिए यही है चिंताहरण गणेश मंदिर। देख सकते हैं सभी लड़के अपने घूम रहे हैं यहाँ। और ये है, चलिए आगे से देखिए माता रानी का मंदिर। और इसमें 51 दिए जलते हैं, और जो प्राचीन काल में विक्रमादित्य राजा थे उनके ये कुल देवी थे। जय मां सिद्धि माता का मंदिर देख सकते हैं आप लोग। ये हर सिद्धि माता का मंदिर आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। और बहुत शक्तिशाली माता है, इनसे आप जो मांगेंगे वो मनोकामना पूर्ण होगी। ये है शंकर भगवान का मंदिर, और ये पुजारी जी हैं। चिंतामन गणेश मंदिर, और आप लोग यहाँ अगर जो भी मनोकामना मांगेंगे तो पूर्णतः पूर्ण होगी। ये गणेश जी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर आप महाबलेश्वर आते हैं घूमने के लिए तो आप लोग आइए यहाँ दर्शन करिए गणेश जी का। हाँ तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं, ये चौथा मंदिर है। ये है महर्षि संदीपनी आश्रम। इसमें कृष्ण जी जो थे वो आए थे पढ़ाई करने के लिए। इसी आश्रम में सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों साथ में मिले हैं। और इसमें जो है नंदी भगवान के, आप नंदी भगवान को देखे होंगे कि दोनों पैर मोड़ करके बैठते हैं, पर इसमें जो है नंदी भगवान खड़े होकर के हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और देखिए ये मंदिर है, इसी में 64 दिन की पढ़ाई करे हैं कृष्ण जी, देख सकते हैं। ये बोलेंगे कुछ भाई, आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो भैया का वीडियो चैनल करें, क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें। ये देख सकते हैं, ये 64 कलाओं की विद्या कृष्ण जी सीखे हैं। और इसी में एक देखिए, कृष्ण भगवान इसी में 64 कला सीखे हैं। Yeah.
ये देख सकते हैं नंदी महाराज खड़े हैं। ये है पार्क है, ये फोटोज भी खींचते रहो, एक काफ़ी खींच लो बढ़िया से, अच्छी वाली खींचना। ये देख सकते हैं आप लोग, यही है छिपरा नदी। और अभी हम मंगल भगवान के मंदिर में हैं, ये छिपरा नदी है जो कि उज्जैन जो है छिपरा नदी के किनारे ही है, और यही है छिपरा नदी। ये है काल भैरव मंदिर, और ये जो है अगर आप माँ कालेश्वर मंदिर आते हैं तो उनके बाद ये सबसे शक्तिशाली मंदिर है, जो कि आप लोगों को यहाँ आइएगा काल भैरव मंदिर तो आप लोगों का मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। यहाँ जो है साक्षात भगवान जो है, आप शराब चढ़ाएंगे तो वो पी लेते हैं। चलिए आप लोग को दिखाएंगे। यही है काल भैरव मंदिर का मंदिर भगवान। और ये जो है माँ कालेश्वर का, अगर आप देखने आए तो इनका दूसरा स्थान है, और यहाँ आप शराब अगर देंगे तो ये भगवान ग्रहण कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यही है काल भैरव मंदिर। इस मंदिर में शराब चढ़ते हैं प्रसाद के लिए। ये घटकालिका मंदिर है, ये उज्जैन में ही पड़ता है। ये है स्थिरवन गणेश मंदिर, और यहाँ सभी दर्शन आप लोगों को पूर्ण हो जाएंगे अगर मांगने आएंगे तो। ये भी महाकालेश्वर मंदिर के बगल में ही है। जैसा कि देख सकते हैं, यह बड़े गणेश जी का मंदिर जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये महाकालेश्वर मंदिर के बगल में ही है, बाहर से ही दर्शन कर लीजिए आप लोग। इधर ही है लाल
लाइन में लगने पड़ते हैं महाकालेश्वर, जो ये महाकालेश्वर मंदिर का परिसर है, और इधर जाएंगे दर्शन लाइन में लग करके करना पड़ता है।